हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है पुनर्मिल्ट ब्लॉग्स में। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, तो आपको तो पता है संडे का दिन में बाबू का छुट्टी रहता है स्कूल में, और घर का काम भी बढ़ जाता है। और घर का काम तो और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ, क्योंकि घर जितिया के लिए मेरा उपवास था, तो दो दिन से मैं कपड़ा नहीं धोई हूँ, और आज पूरा कपड़ा मुझे धोना है। तो चलते हैं, सारा काम वगैरह कर लेते हैं, तभी आप लोग से मिलते हैं। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मेरा कपड़ा वपड़ा हो गया है, और घर का सारा काम वगैरह भी हो गया है। मैं घर का काम कर ली हूँ, और इनको देख सकते हो, ये भी पानी लेता है पीने वाला बिसलरी चावल लेने के लिए। तो पता नहीं इनको रास्ता में मच्छी दिख गया किधर, तो बोले मच्छी लेकर आ रहा हूँ, पर बताया नहीं कौन सा मच्छी है। हम लोग अपने गांव में चिंगड़ी मछली बोलते हैं। तो अभी चलते हैं, थोड़ा इसको साफ सफाई कर लेते हैं। तो इतने ही सब मच्छी है, पर इसको 100 रुपया लिया है। गाँव में तो नदी में ही मिल जाता है क्या? और ये आके ये थक गए हैं, आके इसके लिए बैठ गए। इतना बड़ा बोटल का कितना लीटर रहता है इसमें? 20 लीटर का। और चिंगड़ी मछली या झींगा मछली कैसे बनाते हैं, कैसे साफ करते हैं, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। मिलके साफ करते हैं दोनों मिलके, है ना? और तो चलिए अभी पहले इसको साफ करते हैं। कैसे बनाना है? कैसे ऐसा करते हैं ना, हाँ, इसका मोच निकालते हैं ना। हाँ, तो फटाफट मोच निकाल देते हैं। ये जिंदा उंदा नहीं ना? तो देखिए, हमको तो आता भी नहीं बनाने। ये देख, बराबर है क्या? हाँ, इसको भी तोड़ा जाता है ना पीछे, शायद मेरे ख्याल से। आता नहीं तो लेके क्यों आए? अभी सब जगह पे ऐसे ही सब साफ करते हैं, तो मैं बहुत जगह पे देखा हूँ, बहुत कोई ना ऐसा के साफ करते हैं। ऐसे है क्या? अभी हम लोग फटाफट साफ कर लेते हैं, हमको तो आता नहीं है, यही साफ कर रहे हैं। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। इसका ये निकालना ना मोच ना, इतना बड़ा बड़ा मोच। क्या हुआ, डर लग रहा है? ये जिंदा थोड़ी है, मरा हुआ है। तुम भी बना रहा है? दे सकते हैं दोस्तों, मेरा बाबू भी चिंगड़ी मछली बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। बना बेटा, बना। ये देखो इसका खेलने का तरीका, देख सकते बाबू। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। इधर देख के गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। नहीं है। हाँ, क्या? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे आप लोग? आशा करते कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सब अच्छे होंगे। बोलो, हम लोग अभी चिंगड़ी मछली बना रहे हैं। नहीं आता, नहीं आता बनाने ऐसे। बाबू तुम खाएगा कि नहीं? नहीं, इसको पसंद नहीं है चिंगड़ी मछली, है ना? और ये एक दो खाएगा, मतलब मन को कैसा अभी देख रहा है ना, तो उसको अच्छा लगेगा, तो एक दो खा सकता है ना। देखिए, इतना पानी है, हाथ लगा तो पक जाएगी, और मुंह में डालो तो दोस्तों हम लोग का मच्छी साफ हो गया है। और आप देख सकते हो 50 रुपया का गंदा निकला, और 50 रुपये का मच्छी, 100 रुपये का मच्छी में 50-50 हो गया। चलिए अभी इसको धो धा कर लेते हैं ना। मच्छी को अभी हम लोग साफ से साफ पानी से धो लेते हैं, 3-4 पानी से, है ना? बहुत मेहनत लगता है इसमें, है ना? बोलते हैं इंसान ना कि जितना छोटा चीज रहता है उतना ही मेहनत लगता है क्या? देखो कितना अभी साफ हो गया, तो अच्छा लग रहा है ना। तो मच्छी धुला गया है, और मैं एक साइड चावल रख दी हूँ, और अभी चलते हैं मसाला पीसने का तैयारी करते हैं। तो फटाफट मसाला पीस, मसाला तैयार हो गया है। इस मसाला में मैं डाली हूँ क्या बोलते हैं, पीला वाला राय, जिसको बोलते हैं सरसों, टमाटर और प्याज, और क्या बोलते हैं, मिर्ची, अदरक, लहसुन, और एक चीज़ और डाली हूँ, क्या है उसको बोलते हैं, धनिया, उसका पेस्ट बना लिए हैं हम। और इधर अभी हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, तो कढ़ाई में अभी तेल डाल देते हैं। तो तेल भी गर्म हो गया है, और अभी मछली को डाल देते हैं। देख सकते हैं मछली फ्राई से लाल हो गया है, और अभी इसको
इसको फ्राई करके हम निकालेंगे। कलर तुरंत चेंज हो गया, पहले व्हाइट जैसा दिख रहा था। मछली भी फ्राई हो गया है दोस्तों, तो देख सकते हो अभी इसको निकालने जा रहे हैं, एक प्लेट में निकाल देते हैं। इसमें भी तेल निकल रहा है, गरम गरम। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका कलर कितना अच्छा लग रहा, पूरा रेड रेड। तो अब चलते हैं दोस्तों मसाला का ग्रेवी और जो भी ये झोर वाला रस्ता बना लेते हैं। तो अभी इसमें डाल देते हैं गरम मसाला जो मिक्स होना है, और टमाटर में काट के रखी थी तो मसाला मैं भी दी हूँ, इसमें भी थोड़ा ग्रेवी के लिए बना लेती हूँ। साथ में नमक भी डाल देते हैं थोड़ा सा, ताकि जल्दी से हल्का हो जाए। पड़ रहा है मेरे, इधर मसाला भी डाल देते हैं साथ में, तो देख सकते हैं मसाला। तो मसाला भी डाल दिया दोस्तों, और अभी चलते हैं मिक्स मसाला डाल देते हैं। इसमें सारा मिक्स मसाला है जो पाउडर का जो रहता है ना, धनिया, जीरा, गोलकी, जितना भी मिक्स में रहता है पाउडर वाला, वही सारा मिक्स है। और अभी इसको हम चला देते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं और आँच स्लो कर देते हैं, ताकि अच्छा से इसका ग्रेवी पक जाए। अभी देखते हैं हमारा ग्रेवी का क्या हाल है। वाह, कलर देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है। टमाटर भी हमारा गल गया है, और अभी हमारा हालत देख सकते हैं कि कुछ इस तरह हो गया है खाना पकाते पकाते। ऐसे तो काम हमारा हो जाता, पर ये मच्छी लेकर आए ना, मच्छी में टाइम चला गया, आधा घंटा गया। तो अभी तक मेरा नहा धोआ के रेडी भी हम उसको देख सकते हो, अभी अच्छे से मस्त टाइप से पक गया है और कलर भी चेंज हो गया। ग्रेवी हमारा हो गया है तैयार, और अब मच्छी को देख सकते हो कितना ही प्यारा बन गया है। आप चावल साथ भी खा सकते हैं, रोटी साथ भी खा सकते हैं। इनसे पूछ लेते हैं, ठीक है पानी उन्हें ना डाले, इसमें पानी डाल देंगे ना तो उसका टेस्ट मतलब क्या बोलते हैं, टेस्ट अलग हो जाता है, तो वो झोर जैसा बन जाता है। तो हम लोग इसी तरह रखेंगे ताकि हम लोग रोटी साथ भी खा सके, चावल के साथ भी खा सके। चिंगड़ी मच्छी तैयार हो गया है, अब ये खाने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। और अभी चलते हैं, इसको गैस को बंद कर देते हैं। इधर चावल भी हमारा पक गया है, मच्छी भी पक गया है। पानी का बोतल है ना, इसको हम लोग खाली करके बोतल पहुंचाना पड़ता है, अगर नहीं पहुंचाएंगे ना तो इसका 200 रुपये ले लेगा, है ना। अरे अभी ये मटकी है ना, उसको हम धोधा कर रख दिए हैं, और आधा पानी बचेगा इसमें रखेंगे। अभी खोल रहे अच्छे तरीके से, पानी पीने में थोड़ा सा अलग लगता है, मतलब स्वाद लगता है, लगता है कुआ का पानी। तो देख सकते हैं मेरा मच्छी बनके तैयार हो गया है, अभी तो बांट रही है, निकाल रही है खाना वाना। हाँ, इनको काम पे जाना है ना, इसके लिए दे देते हैं हम लोग तो घर पे रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग खा लीजिए, पहले खा लीजिए, खाइए, और अभी मैं निकाल लेती हूँ। बाबू तो ऐसे खाता नहीं है, तो मैं भी हल्का सा निकाल लेती हूँ। बाबू का चटनी सॉस और रोटी, क्योंकि वो मच्छी नहीं खाता ना, इसके लिए बोल। तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, अपने अपने थाली ले लिए हैं, और बाबू का थाली है सॉस और रोटी, क्योंकि ये खाता नहीं है ना इसके लिए। और अभी ये खा के बताएंगे कैसा बना है, खा के दिखाया देखिए। लगीस ये लगीस क्या होता है, इंग्लिश ज्यादा मत बोलिए, हमको नहीं समझ में आता है क्या बेटा लगीस मतलब। अच्छा बनाया बहुत अच्छा, ऐसा है क्या। और अभी मैं भी खा के देखती हूँ कि अपना हाथ से कैसा बनाएंगे। वाह टेस्टी, बहुत मज़ेदार, पूरा अच्छा बनाया, मसाला अच्छा, ग्रेवी अच्छा है ना, अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। ये तो खाता नहीं है, कभी आप लोग भी ट्राई कीजिए जो नॉनवेज खाते हो, और एंजॉय कीजिए घर पे बनाइए। जो लोग नॉनवेज खाते होगा तो
उनको कुछ लगेगा नहीं, जो लोग वेजिटेरियन होगा तो उन लोग को थोड़ा देख के खराब लगेगा, तो उनके लिए सॉरी। इसको सॉस रोटी अच्छा लगता है, हम लोग चूड़ी में चूड़ी और रोटी और चावल क्या चूड़ी पढ़ना पड़ता है ना, खाने का टाइम फोन आ गया इसके लिए बात करे। मज़ा आ रहा है दोस्तों, चिंगड़ी मच्छी का ग्रेवी और रोटी। दोस्तों तो हम लोग का खाना हो गया, खा के हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी ये काम पे जाने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना चाहिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम लोगों को फुल सपोर्ट कीजिए दोस्तों, है ना। नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।